जी राधे राधे, कैसे हो आप? सब आए हो क्या? सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए, अभी ना अभी बजे है 11:30 और मैंने ना सारा काम निपटा लिया है। झाड़ू पोछे भी कर दिया सारे में, और अनाज भी डाल देता भाई ने। इतने मैंने खाना बनाया तो भाई ने डाल देता, अमित भाई ने। तो शाम के टाइम का ना इसे जाने में निकाल के ना तो कट्टे में भाग कर दादूँगी। और कपड़े भी शाम के टाइम धोऊंगी। ज़्यादा तो है नहीं कपड़े, 2-3 जोड़े हैं बस, पापा जी का, दो भाई का और एक मेरा है, बस 3 जोड़े हैं। तो शाम के टाइम उन्हें कल को धो देना है। तो ज़्यादा कपड़े तो है नहीं, इनके कवर डालने हैं मुझे, ताकि हो गया नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को भी, क्योंकि ना इन्हें धो देते हैं हमने तो गंदे सो रहे थे वैसा। जो 2-3 हफ्ते में धो देते हैं हम इसे, हाँ धो के ना आराम कर लेती हूँ। और भाई ने भी अभी खाना नहीं खाया है, दोपहर की दवाई देनी है ना इसे, तो इन्हें खाना खिला देती हूँ पहले, इनसे पूछ के, क्योंकि अभी मना कर रहे थे वे तो थोड़ी देर में। तो अभी पूछ ले तू एक बार और, इस टाइम खा के फिर इन्हें खाना खिला दूँ। कि चोट लगी रही ना इन पे, तो इनके हाथ ना एक हाथ तक खाना नहीं खाया जाता, तो इसलिए खुआना पड़ता है इन्हें। तो कभी सोना दीदी खिला देते थे, कभी मैं। और वैसे देखिए फ्रेंड्स, इतनी अच्छी धूप निकल रही है और अनाज मैंने डाल देता, भाई ने डाल देता सुबह, और इसमें ना हाथ निकाल दिया मैंने 2-3 फेरी, और आज और ना ऐसा सूख रहा है। फिर भी शाम के टाइम ना इसे जाने में गुण निकाल गए कट्टे में भाग कर दर्द हुई। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, धूप वाला, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप में तो जी नहीं कर रहा निकालने को। और अभी मैंने सारा काम निपटा दिया है, अभी बज गया 12 और अभी कर लेती हूँ आराम। इस और अभी पढ़ रहे हैं, देखिए 12:30 बजे है, अभी मैंने खाना बना दिया है और चलती हूँ मैं नीचे भाई का खाना लेंगे। तो भाई को खाना खिलाना है पहले और इसके बाद में दवाई देनी है। तो खाना ले लिया है मैंने, आलू की सब्जी है, रोटियाँ है, चम्मच है और पानी है। तो नीचे लेट रहा ना भाई, तो नीचे चलती हूँ लेके खाना। नीचे लेट रही, चल रोटी खाई आ जा, रोटी खा ले पहले। आई थी मैं नीचे से तो खाना खिला के भाई को, और रोटी को भी खाना खिला दिया, दे दिया है मैंने इसे। लेकिन तो इसे ना एक पाई लेके दे देती हूँ, ये भाई ने ला कर रखा है ना, इसके नाम से पाई लेगी। इसकी तबीयत थोड़ी के खराब, 2-3 दिन से खाना नहीं खा रही थी वो, और कल से ही आराम है इसे, पर हल्का ही दे रही है। हम इसे खाना ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, पाई लेके दे देते हैं थोड़ा बना। अभी चल तू नीचे आराम कर लेते हैं, और अनाज तो मैं शाम के टाइम करूँगी। अभी धूप से आ रही है, धूप लगी नहीं तो 4-5 बजे से आऊँगी ना ऊपर, तो जब कहूँ तो इसे आराम तक जाने में को निकाल गया और मौसम भी देख गया बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आई हूँ छत पे, तो अभी बना ले तो अपने लिए चाय, के भाई के लिए पनीर काटना है, पनीर देना है इन्हें खाने के लिए। तो पनीर लाया था भाई कल, वो कल तो मैंने दे देता, और अभी दे देती हूँ थोड़ा सा पनीर। ये यहाँ पर ना कबूतर बैठा है, कितना अच्छा लग रहा है ये नीम हरा हरा, देखो। और ये कबूतर देख रहा है नीचे, और इधर देखें स्टूल पे ना गिलहरी बैठी है, अनाज खा रही है ये, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये वाली चिड़िया। और यहाँ पर बैठे हैं गिलहरी, अनाज खा रही है, देखो ये। और ये अनाज खा रहा है, मुझे जाने में भी निकाल देती वो, कट्टे में बैठ के रखना है। अच्छा बादल हो रहा है, अरे सब पानी तो पिया तू।
मैंने ना पनीर इसमें थोड़ा सा ना ते वो घी डाल के ना इसमें फ्राई सी कर दिया, थोड़ी सी लाल लाल सी, और हल्का सा नमक डाल के अच्छे तरह से। और यहाँ पर कर दिया है आम, भाई के लिए ले जाने हैं मुझे आम और पनीर, कच्चे पनीर खाना था ना। तो देखिए, तो चलते हुए मैं नीचे ले गई इन्हें पनीर को और आम को। जब जाना मैंने उठा लिया है ये वाला, और इसे अनाज को कर देती हूँ मैं साफ पनीर को। मैंने कर दिया साफ, वो जाने में को निकाल गया और यहाँ पर रख दिया बरामदे में। देखिए यहाँ पर रखा है कट्टे में, और इसे झाड़ू से ले आकर ना वो ना एक पन्नी में रख दूँ, भाग ऊपर छत पे डाल दूँ इन्हें, कि कबूतर आते हैं ना छत पे तो वे खा लेते हैं इसे अनाज को ना। बड़ी बड़ी सा आया ज़्यादा, नीचे से निकल आया ना वो जाने में को। मैंने इकट्ठा कर दिया है, यहाँ पर रख दिया है, इसे उठा के पन्नी में रखना है एक में। वो देखिए कितने पसीने आ चुके हैं, अनाज साफ करा है और झाड़ू से लगा दिया है अच्छी तरह से यहाँ पर। वो देखिए पसीने कितने हो रहे हैं, इतनी गर्मी से हो रही है बहुत ज़्यादा, ना तो हवा चल रही है न ही बारिश पड़ रही है। वो लाइट जला देती हूँ, यहाँ की अंधेरा सा हो रहा ना कमरों में, इस वाले में भी चालना कर देती हूँ। और आज तो मैंने चाय भी नहीं बनाई थी अपने लिए, और पापा जी भी आ चुके हैं, अभी नीचे लेट रहे हैं, कि इन्हें अभी चाय देनी है अपनी और पापा जी की बना लेती हूँ। पूछना है पहले पापा जी से, चाय के भी मना कर देते हैं ना। चलो भाई पहले चाय बना लेती हूँ, इसके बाद में मुझे थोड़े से बर्तन रखे हैं वे साफ करने हैं, और खाना बनाना है। रोटी सेक लिया बस, सब्जी रखी है आलू की, टमाटर तो मैं डालती नहीं क्योंकि महंगे हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए टमाटर नहीं लाए, तो खाली से आलू बनाए थे मैंने, तो वे भी रखे हैं। और रोटियाँ सेक लिया बस, ये बर्तन साफ कर दे तू पहले चाय बना क्या। देखिए आम खाए थे, ये चिल्लक डालने हैं मुझे इसमें रोवन में, क्योंकि मेरे याद रहते हैं डालने। और इसमें ना अब
खराब सा आता है, तो इसे डालने लगती हूँ कूड़े में, क्योंकि इसमें ना कीड़े हो रहे हैं, तो इसलिए भैंस तो खाने की नहीं कीड़े को। चलो ये लाल हरी मिर्च ले लिया है, साबुत वाली जो अचार वाली मिर्च होती है ना, लंबे वाली और मोटे वाली, ये ले लिया है। इनका ना अचार भून देती हूँ थोड़ी सी का, तो भाई लाया था इन्हें, तो वे ना फ्रिज में रखी थी 2-3 दिनों लिए, और ये ना हल्की हल्की सी खराब सी भी हो रही नीचे से, मैं काट के रख दूँ इस तरफ डाल दूँ इन्हें, ज़्यादा तो है नहीं, बस 1-2 ही है बस। तो इन्हें अचार भून देती हूँ, और अपने लिए मैंने बना लिया चाय, देखिए।